गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 डेटा मेंटेनेंस मीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीन के बारे में। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? मीन मीन्स माध्य। मीन का जो हिंदी होता है माध्य, माध्य मीन्स मिडिल। सिंपल सा अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? मिडिल, ठीक है, माध्य। बट माध्य निकालने का जो मेथड है हमारा वो सेम टू सेम एवरेज जैसा ही है। कैसा है? एवरेज। जैसे हम एवरेज निकालते हैं सेम वही फॉर्मूला है मीन का, ठीक है। किसी भी चीज का मीन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 है और 3 है, इसका मीन निकालना है। मीन मीन्स इसका माध्य निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 2, 2 और 3 का बीच का जो बीच में आएगा वो क्या होगा? तो मेथड क्या है? सिंपल, इसको इसको क्या करोगे? ऐड करोगे और क्या कर दोगे? इतने ऐड नंबर्स 2 है, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 by 2 और ये कितना आएगा? 2.5 आएगा। 2.5 मीन्स 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2.5। जितने का मीन निकालना है सबको ऐड कर लोगे और कितने नंबर्स हैं वो हो जाते हैं हमारे क्या? डिवाइड करते हैं उससे। हम मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। मीन को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए। इसका शॉर्ट फॉर्म है ए। अरिथमेटिक मीन और मीन दोनों सेम है, डाउट नहीं होना है। जब भी मीन पूछे निकालने के लिए तो आप क्या करो? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं आपको। मीन मीन इज इक्वल टू, कितने नंबर से टोटल? 2, 2 plus 3 उसे डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में डायरेक्ट आएगा फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में लिखते हैं, ठीक है, फाइंड द मीन मीन ऑफ नंबर, मीन ऑफ नंबर यस
ये हमारे टोटल सिक्स ऑब्जर्वेशन है, सबको समझ आ गया जो समझ में आ रहा है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 है 19, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 0 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? और 2 6 इज 2 3 4 6 2 10 10 5
तो हमारे इसमें कैसे ग्रेड्स क्या मतलब है, अगर डेटा गिवन है, सपोज मान लिया डेटा है कि हमारे स्कूल में टीचर तो है ही है कि नहीं है, तो मान लो 10 टीचर का एज दिया हुआ है, 10 टीचर का क्या दिया हुआ है, एज आ एग्जांपल लेते हैं, एज आ 10 टीचर इन जेनेटिक फोल्डर, उसके बाद जो हमारे उनकी एज क्या होगी, 40 इयर्स, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा पाठक सर, जो मैं सर पढ़ाते हैं आपको, जीके पाठक सर, जीके पाठक सर का एज क्या होगा, 40 इयर्स, 42 मान लेते हैं। अच्छा केमिस्ट्री सर की एज कितनी होगी, केमिस्ट्री सर 28 है, 28 29 है, ठीक है। अच्छा हमारी एज क्या होगी आप बताओ, 30 इयर्स, क्लियर। 10 टीचर की एज लिखनी है, 1 2 3 4 5, 5 टीचर और एज बताओ आप, अब कौन सा पता हो गया, कौन से टीचर पूछे अभी सोचो। हाँ हिंदी सर, हिंदी सर का एज क्या होगा, 38 इयर्स, हिंदी मैम का 40 इयर्स, इंग्लिश मैम का 42 इयर्स, कितने टीचर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ब्रिटिशर का कितना होगा बताओ, ब्रिटिशर का कितना होगा, कितना होगा, यस 32 इयर्स, 35 इयर्स। अब एक और टीचर का एज चाहिए आपको, यहाँ पे लिख देते हैं टीचर का, प्रिंसिपल सर के पहले तो बता दो, किसी का भी बता सकते हो, फिजिक्स सर का लिखते हैं, फिजिक्स सर का कितना होगा, 36 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
कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे बता सकते हैं क्या? तो सबसे पहले रेंज निकालने से पहले सबसे अच्छा होता है आप डेटा को अरेंज कर दें। अरेंज मीन्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा इजी होता है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे डेटा को, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आएगा, ट्वेंटी नाइन केमिस्ट्री सर। फिर उसके बाद मैं, फिर उसके बाद 29 के बाद कौन सा आएगा बताओ जनाब, 36 का फिजिक्स सर। देन इसके बाद 35 आएगा। 35 कौन है आप सोचो, किसको बता दो 35। अब 36 फिजिक्स सर, देन इसके बाद 19 सर हो गया, 29, 30, 35, 36, 38 ये हो गया। क्रॉस करते हैं याद रहेगा, ये एज हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई, सब ये हो गई। अब क्रॉस आएगा, ये एक बार 40 आएगा, पक्का 40, यस 40 कितना है, दो हो गए, 40 दो हो गए, 42 भी दो हो गए ना, 42 टू टाइम्स, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बचा क्या हमारा प्रिंसिपल सब बच के 55 आ सकता। अब आप काम करो, देखो टोटल टेन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ये प्रिंसिपल से क्लियर है यार। अब बताओ सबसे कम एज किसकी है, केमिस्ट्री सर की, कितना 29 ईयर मिनिमम एज, मिनिमम एज कितना है, मिनिमम एज 49 ईयर किसका था, केमिस्ट्री सर। मैक्सिमम एज किसका है, प्रिंसिपल सर का। मैक्सिमम एज किसका है, प्रिंसिपल सर का, कितना 55 ईयर। समझ में आया क्या, अगर ऐसे पूछे तो बता सकते हो ना, मिनिमम एज केमिस्ट्री सर, मैक्सिमम एज प्रिंसिपल सर। हम बात कर रेंज का, अगर रेंज निकालना है तो क्या होता है, क्या कहते हैं रेंज, जो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम जो आपने ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, यानी यहां पे एज की बात हो रही है ना, तो आप एज लिखिएगा माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मिनिमम ऑब्जर्वेशन लिख लो। क्या था ऑब्जर्वेशन, हम चूंकि एज की बात कर रहे हैं, यहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, एज के बारे में, तो हम एज लिखेंगे। तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस स्टेशन का अगर रेंज निकालना है तो क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, तो मिनिमम एज सो मैक्सिमम एज माइनस माइनस मिनिमम एज, मिनिमम एज तो मैक्सिमम एज कितना है 55 और मिनिमम कितना है 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 9 यहाँ से कहनी होगा 15 माइनस 9 6 यहाँ 4 4 माइनस 2 2 ये हो जाएगा रेंज। क्लियर हुआ, 26 इयर्स क्या है हमारा रेंज है, मतलब कि जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है इसके बीच में कितना गैप आ रहा है 26 का, जो सबसे छोटा है जो सबसे बड़ा है उसका बीच का रेंज क्या है 26 ईयर। इसी ईयर में सभी लोग सभी टीचर की एज आ जाएंगे। क्लियर हुआ रेंज का मतलब, प्रसार एज का प्रसार किस कितने 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 एज का जो प्रसार हुआ है वो किस रेंज, हाँ 26 ईयर इस रेंज में हमारे जो भी टीचर्स की एज है वो आ जाती है 26 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में 26। क्लियर है, नहीं क्लियर होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 करना, होमवर्क आपको टाइम लिमिट करते रहना है 3.1। आप एक्सरसाइज फिनिश करेंगे कल, ठीक है, आप ट्राई करना, आता है तो वेरी गुड, अदरवाइज हम कल इसको ट्राई करेंगे। तो हमने मीन और एवरेज और रेंज पढ़ लिया है, उसी से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।